आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 2, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहले मैं आपको इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्चुअली ये जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल मींस व्हाट एंड कोऑर्डिनेशन मींस व्हाट। कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल होता है टू हैंडल समथिंग, किसी चीज को सही दिशा, किसी चीज को सही तरीके से हैंडल करना, इसको हम कहते हैं कंट्रोल, इसको हम कहते हैं कंट्रोल। एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स होते हैं जब वो सिस्टमैटिक इकट्ठा होकर काम करते हैं और किसी काम को सही तरीके से अंजाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। मैं आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल देता हूं कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है एक्चुअली में। देखो, अगर हमने शॉपिंग के लिए जाना है, हमारा माइंड सेटअप है कि हमने ये चीजें लेनी है। जब हम घर से निकले अपने गाड़ी से या किसी दूसरे चीज से, हम इस शॉप पे पहुंच गए, जो ही हम इस शॉप के अंदर पहुंच गए, हमारी नज़र वहां पे इन चीज़ों पे पड़ जाती है। जो ही हमारी ये नज़र वहां पे पड़ जाती है, हम इन चीज़ों को पिक करके हमारे अपने थैले में या बॉक्स में लगा देते हैं और फिर इसका बिल पे करते हैं और ये हम चीज़ें खरीदते हैं। ये चीज़ें पहले देखना, वहाँ जाना, फिर वहाँ से पिक करना और फिर बिल पे करना, this all is called the control and coordination. The second example of control and coordination, जब हम क्रिकेट ग्राउंड में या फुटबॉल ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, सपोज हम क्रिकेट ग्राउंड में गए या फुटबॉल ग्राउंड में गए, हमने मैच खेलना है, वहाँ पे हमने हमारी अपोनेंट टीम है, हमारी टीम है, दोनों टीम आमने सामने हैं, तो हर किसी टीम के माइंड में पहले ये फिक्स होता है कि कौन सा प्लेयर गोलकीपर होगा, कौन सा प्लेयर डिफेंडर के पोजीशन में खेलेगा, कौन सा प्लेयर सेंटर फॉरवर्ड खेलेगा और कौन सा प्लेयर स्कोरर के पोजीशन पे खेलेगा, या विकेट कीपर कौन रहेगा, बॉलिंग के पोजीशन पे कौन होगा, बैटिंग सॉरी ऑफ साइड ऑन साइड वगैरह वगैरह, कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे फील्डिंग पे रहेगा, ये सब चीज़ें पहले ही हमारे माइंड में होती है। अब अगर हमने इस मैच को खेलते खेलते इस बॉल पे और इस टीम के अंदर सही से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रहा, इस बॉल पे सही से कंट्रोल रहा और इन प्लेयर्स के बीच में सही से कोऑर्डिनेशन रहा, ऑब्वियसली रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और हम मैच जीत जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द थर्ड एग्जाम्पल फॉर यू, सपोज हमने नैनीताल जाना है, नैनीताल जाने के लिए हमने घर से साइकिल निकाला या गाड़ी निकाली, जो ही हम आगे चले गए, पहले हम साइकिल पे चढ़ गए, पहले हमने पैडल घुमाया, सीट पे बैठ गए, सीट उसके साथ साथ हमने साइकिल की हैंडल पकड़ी है और हमें हमें ये ध्यान में रहता है कि अगर हमने नैनीताल पहुँचना है तो हमें इस रास्ते के साइड पे आहिस्ता आहिस्ता चले जाना है। अगर रास्ते में कोई शख्स हमारे आगे आ जाएगा, साइकिल के आगे आ जाएगा, तो हम हमारी आंखें देखती हैं कि ये कोई भी शख्स हमारे साइकिल के आगे आया है, तो हम इसको हॉर्न बजा देते हैं और वो फौरन हट जाता है। धीरे धीरे साइकिल चलाते चलाते हम अपने पॉइंट पे पहुंच गए, हम नैनीताल पहुंच गए, वहाँ नैनीताल के गेट पे पहुंच गए, वहां से हम साइकिल को ब्रेक मार देते हैं और साइकिल से उतर देते हैं, साइकिल को पार कर देते हैं और फिर इस घर के अंदर चले जाते हैं, नैनीताल के अंदर चले जाते हैं। मीन्स ये जो हम घर से निकले और नैनीताल के घर में पहुंच गए, ये सब किसने कंट्रोल किया? दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी ऑर्गन्स इसको कंट्रोल कर देती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। द थर्ड इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, अगर आपको बुक शॉप में कोई बुक की जरूरत हो या पेंसिल की जरूरत हो, आपको मालूम होता है मुझे कौन सी चीज़ लेनी है, आप जब बुक शॉप के पास चले जाते हो तो आप उसे कहते हैं अंकल जी मुझे वो वाली पेंसिल दे दो, मुझे वो वाली पेन दे दो,
मुझे राइटोमीटर की पेन दे दो, मुझे वो वाली बुक दे दो, मुझे ये वाली नोटबुक, क्लासमेट की नोटबुक चाहिए या वगैरह वगैरह की, क्योंकि आपके आपका दिमाग ये सब चीज़ें, आपका दिमाग आपके बॉडी ऑर्गेनाइज ये सब चीज़ें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मीन्स टू हैंडल समथिंग एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो सिस्टम होते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर टू सिस्टम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सा सिस्टम होता है? द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। दिस नर्वस सिस्टम इज आल्सो दिस नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द न्यूरॉन्स, दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड द न्यूरल सिस्टम। इसको हम न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा होता है, हमारे ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द हार्मोनल सिस्टम। एक्चुअली दिस हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर्स रिलीज बाय दिस एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आती है। ये चीज़ें प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोनल सिस्टम भी आता है। ये जो हार्मोनल सिस्टम है, दिस हार्मोनल सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, और प्लांट्स में यही हार्मोनल सिस्टम इस प्लांट्स की ग्रोथ, मोमेंट्स वगैरह वगैरह सब कुछ कंट्रोल कर देता है। हमने दो चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पढ़ना है, और सेकंड जो है हमने पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के लिए दो सिस्टम जरूरी होना है। द फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, द सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड हार्मोनल सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यूरल सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर तीन चीजें आती है। द फर्स्ट वन इज ब्रेन, द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड एंड द थर्ड वन इज नर्वस। मैं आपको यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सपोज दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा क्रेनियम है, इस क्रेनियम के अंदर ब्रेन होता है, और ये ब्रेन फिर पास हो जाता है इस वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू। सपोज दिस इज द ब्रेन इन अवर क्रेनियम एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड की फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है। दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड द नर्वस, दिस ब्रांचेस आर कॉल्ड द नर्वस। दिस इज द ब्रेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है, दिस इज कॉल्ड द नर्वस ऑफ द नर्वस सिस्टम। इस नर्वस सिस्टम के साथ साथ हमारे बॉडी में होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। एक होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बाद सेंसरी ऑर्गन्स हमारे इस बॉडी के अंदर होता है। हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, द फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज नोज। नोज की वजह से हम क्या करते हैं, हम स्मेल करते हैं। द सेकंड वन इज आइज, दूसरा होता है आइज, आइज की वजह से हम देख पाते हैं, लाइट इज इम्पॉर्टेंट हियर। द थर्ड वन इज ईयर्स, ईयर्स की वजह से हम सुन पाते हैं। द थर्ड फोर्थ वन इज टंग, टंग टंग इज इम्पॉर्टेंट, टंग की वजह से हम टेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ का टेस्ट करते हैं। और द फिफ्थ वन इज स्किन, स्किन स्किन की वजह से हम टच करते हैं, टच होता है किसी चीज़ के साथ तो हम जान जाते हैं वेदर द समथिंग इज कोल्ड और हॉट। ये जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पहले ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के बाद नर्वस आती है। इन नर्वस, ये जो नर्वस है, ये नर्वस पहुँच जाती है हमारे इन सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर। वहाँ पे एक किस्म की सेल्स लगी रहती है, दीज आर कॉल्ड द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स एक्चुअली होते हैं सेंसरी सेल्स। दी सेंसरी सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर सेंसरी ऑर्गन्स। ये जो नोज होता है, रिसेप्टर्स
ये जो नोज होती है, नोज के अंदर हमारे होते हैं रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स में और द सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन अवर नोज, देयर आर दैट आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी, दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, इनको हम ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं, जिनकी वजह से हम स्मेल कर पाते हैं। आइज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फोटो फोटो रिसेप्टर्स। और ईयर्स के अंदर, जो ईयर्स ईयर्स के अंदर होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। टंग टंग की वजह से हम टेस्ट करते हैं, वहां पे होते हैं गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स। द फिफ्थ वन इज स्किन, स्किन के ऊपर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम कहते हैं थर्मल थर्मल रिसेप्टर्स। इन थर्मल रिसेप्टर्स जो हमारे स्किन पे प्रेजेंट रहते हैं, इनकी वजह से हम अगर किसी चीज को टच करते हैं और वहां पे हमें लगता है वेदर दिस थिंग इज कोल्ड, हॉट और कोल्ड। या अगर खुदा ना खास्ता कभी कभार हमें चलते चलते या किसी जगह हमारा हाथ पड़ जाता है, वहाँ पे कोई भी नीडल वगैरह प्रेजेंट हो, इस नीडल की वजह से हमारे इस हाथ पे या हमारे पैर के जिस्म के किसी भी ऑर्गन पे टिक लग जाता है, तो जिसकी वजह से हम जल्दी जल्दी अपना हाथ वापस लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें टच लगा किसी नीडल के से और हमने अपने हाथ को जल्दी ही वापस लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने महसूस किया है यहाँ पे कोई चीज़ है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। एंड दीज आर कॉल्ड द रिसेप्टर्स, थर्मल रिसेप्टर्स। थर्मल रिसेप्टर्स की वजह से हम देख पाते हैं वेदर समथिंग इज कोल्ड और हॉट। दीज आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन्स। इसके बाद हमने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है जो हमारे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है। दैट इज रिसेप्टर्स। द फर्स्ट वन इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स द सेकंड वन इज स्टिमुलाई। द थर्ड वन इज रेस्पॉन्स। रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एक्चुअली दीज आर द सेंसरी सेल्स। रिसेप्टर्स आर द सेंसरी सेल्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी के ऊपर जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। अगर अगर इन सेंसरी सेल्स के ऊपर, अगर हमारे स्किन के ऊपर ये जो सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अगर ये सेंसरी सेल्स को किसी चीज़, किसी कोल्ड चीज़ या हॉट चीज़ की वजह से टच हुआ, तो वहां से हमें इन सेंसरी सेल्स की वजह से हमें मिलता है स्टिमुलाई। ये जो प्रिक है या हॉटनेस और कोल्डनेस, ये जो हमारी स्किन महसूस करती है हॉटनेस और कोल्डनेस, दिस इज कॉल्ड द स्टिमुलाई। अब जब हमने देखा ये जो चीज है यहाँ पे, ये हॉट है या कोल्ड है, तो हम तुरंत अपना हाथ खींच लेते हैं। तो ये जो हाथ का खींचना होता है, तो इसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं। दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स, रिसेप्टर्स, स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स। थैंक यू।